हेलो, आज हम लोग इस बात पे ध्यान देंगे कि ये रसायन बलगतिकी क्या है, जिसको हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। जैसे आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है कि डिफाइन रेट एंड रेट कांस्टेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ये फैक्टर्स की हम बात करेंगे बाद में, पहले तो हम इस बात को ये देखेंगे कि ये केमिकल काइनेटिक्स में जो डिफरेंट रिएक्टेंट्स होते हैं, ये आपस में क्रिया करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हर एक केमिकल रिएक्शन की जो दर होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये समान नहीं होती, ये भिन्न भिन्न होती है। तो इन्हीं के बारे में हम केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन के पहले कुछ ऐसे टर्म होते हैं, जैसे कि व्हाट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसे आप स्पीड ऑफ द रिएक्शन भी कहते हो, रेट कांस्टेंट क्या है, मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और विभिन्न प्रकार के जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हैं उनकी उसमें के की यूनिट क्या है। तो केमिकल रिएक्शन में कंसंट्रेशन होगा, जिसकी की यूनिट आप जानते हो मोल पर लीटर होती है, तो मोल पर लीटर हम रिएक्शन करेंगे। तो हमने जो आपको ये बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ द रिएक्शन ये क्या है, तो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज स्पीड विथ व्हिच रिएक्शन टेक्स प्लेस, इट इज द मेजर, इट इज मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज मेजर आइदर इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी अभिक्रिया में इकाई समय में हुए अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। आप जानते हैं कि रासायनिक क्रिया होगी तो जो रिएक्टेंट होते हैं उनके सांद्रण में या उनके कंसंट्रेशन में कमी होती है, और जो प्रोडक्ट बनता है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्शन का, वैसे ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो हम दोनों के रूप में निकाल सकते हैं। तो रेट, एक सिंपल तरीके से हम आपको रेट के बारे में बता रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई एक अभिकारक, जिसको आप रिएक्टेंट कहते हो, इट इज चेंज इन टू बी, दैट इज द प्रोडक्ट, तो इसके कंसंट्रेशन में कमी होगी, रिएक्टेंट कम होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इसका कंसंद्रण कम होगा। इसको कैसे दिखाते हैं, रेट माने चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dt इज द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टाइम, दिस इज द वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, माइनस जो आपको साइन दिख रहा है ये बता रहा है कि इसमें कमी होती है। जैसे जैसे प्रारंभ में अभिक्रिया की दर बहुत तेज होती है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा आप कह सकते हो, तो वैसे वैसे क्रिया की दर कम होती जाती है, क्योंकि इसकी मात्रा कम होने लगेगी। इसका माने है कि रेट ऑफ रिएक्शन इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट।
इसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, मीन्स चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। यदि इसको दूसरे रूप में भी आप दिखा सकते हो कि लेट अस सपोज दैट dx इज द चेंज इन कंसंट्रेशन इन स्मॉल टाइम dt, तो व्हाट शैल बी द रेट माइनस dx अपॉन dt। हम रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो यह भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन ही कहलाएगा, क्योंकि यह कंसंट्रेशन का चेंज टाइम के अनुसार हो रहा है। और यहाँ पर मैंने आपको ये कर्व दिखाया है कि आप देखो कि अगर यह टाइम में इधर बढ़ रहा है, इधर यह रेट है, dx अपॉन dt रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब कंसंट्रेशन ज़्यादा था, मतलब टाइम जीरो था, तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा था रिएक्टेंट का, उस समय रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ है, तो रेट ऑफ रिएक्शन वेरी हाई। जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जाते हो, समय बढ़ता जाता है, तो अभिक्रिया की दर घटती जा रही है, आप देखो ऐसे हो जाते। और एक ही आपको यहाँ बता दें, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किसी एक टाइम पे समाप्त नहीं होता। ये आप देखोगे कि यह कर्व जो है पैरेलल हो जाता है, इसका माने है कि रिएक्शन की दर जो है इनफिनाइट टाइम तक होगा, बहुत कम होता है। तो कोई ये पूछ सकता है कि आखिर इनफिनाइट टाइम तक अगर अभिक्रिया होती रहती है तो यह फाइनल कब होगी? इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम रिएक्टेंट को गर्म कर देते हैं तो एक काफ़ी टाइम के बाद तो अभिक्रिया पूरी हो जाती है, तो इसलिए ऐसा नहीं है। लेकिन कर्व के द्वारा हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रारंभिक अवस्था में, मीन्स इनिशियल स्टेज में, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन अभिकारक के या रिएक्टेंट के सांद्रण पर निर्भर करता है। प्रारंभ में जब टाइम जीरो होगा तो कंसंट्रेशन अभिकारक का ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा, तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे रिएक्शन की दर घटती जाएगी। तो अब जो है दूसरा टर्म आता है, रेट कांस्टेंट क्या है? तो मान लिया कि हमने ये एक हमारा रिएक्टेंट ए है, या रिएक्टेंट ए इट इज चेंज इनटू प्रोडक्ट, dx इज द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट विच इज चेंज इनटू प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्मॉल टाइम dt। स्मॉल समय dt के अंतर्गत यह dx अमाउंट रिएक्टेंट का यह प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो व्हाट शैल बी रेट? रेट विल बी dx अपॉन dt माइनस दिखाया, माने ये घट रहा है। और ये जो रेट है, अभी आपको मैंने बताया कि रेट निर्भर करता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिखाया है, इसको कहते हैं एक्टिव मास, मीन्स कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम। सो यहाँ मैंने आपको दिखाया कि यह रेट है, रेट कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगा, टाइम कम है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो आसानी से हम यह कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया की जो दर है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, मीन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हम अगर हटाते हैं तो वी हैव टू पुट सम कांस्टेंट एंड देयरफॉर वी कैन राइट माइनस dx अपॉन dt इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब के को डिफाइन करने के लिए, यह के क्या है? यह रेट कांस्टेंट है, हमने आपको ये दिखा दिया के इज द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो अभी पिछले समीकरण में आप देखिए कि अगर अभिकारक का सांद्रण पर यूनिट वॉल्यूम या इकाई मान लिया जाए तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू के, तो ये आपको मिल गया। पहले क्या था यहाँ पर? माइनस dx अपॉन dt इज इक्वल टू के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए, इफ द वैल्यू ऑफ एक्टिव मास ऑफ ए इज 1, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू के। तो ये क्या है? रेट है, ये हो गया रेट। रेट बराबर की, ये कब
जो रेट कांस्टेंट है इसकी वैल्यू रेट के बराबर कब होगी, इसी को डिफाइन करना है। तो डिफिनीशन में ये कहा जाता है कि ये रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट भी इसको हम कह सकते हैं। तो रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे ये रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज वन आर यूनिटी। सो दिस हैज बीन शोन हियर कि ये रेट कांस्टेंट क्या है। किसी एक ताप पर, कहता है निश्चित ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब अभिकारकों का सांद्रण इकाई होता है। मीन्स इफ द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज वन रिएक्टेंट, टू रिएक्टेंट, हाउ मेनी, उससे कोई मतलब नहीं। जितने भी अभिकारक हैं सभी अभिकारों का सांद्रण अगर यूनिट है तो उस स्थिति में उस ताप पर K का जो मान होगा वह रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। सो इन दिस वे यू कैन वेरी इजली डिफाइन द रेट कांस्टेंट। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एट द रेट ऑफ रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स इज यूनिटी। तो दिस इज द वेरी सिंपल डिफिनीशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट रेट के बराबर होगा किसी ताप पर यदि अभिकारकों का सांद्रण इकाई हो। अब कहता है कि ये जो रेट कांस्टेंट है इसकी यूनिट क्या होगी। अब देखो बड़े आराम से आप किसी भी चीज़ की यूनिट निकाल सकते हो। जैसे हम रेट कांस्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो के है यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू एक्टिव मास ऑफ ए मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ ए पर यूनिट वॉल्यूम। k बराबर होगा दिस अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए। यहाँ मैंने ये आपको शो किया है कि अगर ये n मोल इस अभिकारक की n मोल हम ले रहे हैं तो इसको क्या हो लिखेंगे dx अपॉन dt अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर एन। इसको हिंदी में आप कह सकते हो कि यह क्या है, यह रेट है, यह वेग है, वेलोसिटी है और यह कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है। वेग की यूनिट क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, दिस इज द, ये क्या है, कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन की इकाई क्या है, मोल पर लीटर। टाइम की इकाई क्या है, सेकेंड, मिनट, आवर, जो भी आप चाहो। तो सिंपल जो सबसे छोटी इकाई है सेकेंड को हम ले रहे हैं तो हम लिख सकते हैं इसको कि मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गया ऊपर का dx अपॉन dt की इकाई। a का पावर n ये कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन की यूनिट हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर। पर लीटर माने लीटर इनवर्स, यहाँ पर n है हमने n लिख दिया। तो इन दिस वे यू कैन से अगर इसको आप सिंप्लीफाई करो तो आप देखोगे कि यह लीटर है और नीचे आएगा, यह लीटर ऊपर जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा कि ये मिलेगा कि जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी मोल वन माइनस एन लीटर एन माइनस वन सेकेंड इनवर्स। आप देखो कि ये वैल्यू एन है, एन का इसमें करो तो मोल का पावर एन हो जाएगा, लीटर में करोगे तो आपका माइनस एन होगा, यहाँ पर आपका क्या है मोल है तो ये क्या है आ जाएगा ऊपर तो वन माइनस एन हो गया तो ये वन माइनस एन लिख दिया। लीटर जो है यहाँ पर आपका एक है पावर, इसका पावर माइनस एन है, यह ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह नीचे है
तो इसको आप लिखोगे n माइनस वन और सेकंड इनवर्स यहाँ है वन अपन सेकंड है तो सेकंड इनवर्स लिख दे। सो इन दिस वे वेरी इन सिंपल वे यू कैन से दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मोल वन माइनस n लीटर n माइनस वन। याद रखना मोल वन माइनस n लीटर n माइनस वन सेकंड इनवर्स। अब कहता है कि अगर यन की वैल्यू जो है या यन आप कहेंगे ये है क्या, यन क्या चीज़ है, इसको कहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसको कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर भी हम बता सकते हैं कि यन का माने क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। अभिकारकों के मोलों में मोलों के कंसंट्रेशन में सांद्रण में जो परिवर्तन होता है वो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। मीन्स द नंबर ऑफ मोल्स इन विच कंसंट्रेशन इज चेंजिंग ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। अब भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिस पे कि हम चर्चा करेंगे कि हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो होगा तो के का मान क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन होगा तो के की यूनिट क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू होगा तो के की, इसका माने है कि ये जो के है रेट कांस्टेंट इसकी भिन्न भिन्न ऑर्डर के रिएक्शन में भिन्न भिन्न होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया कि अगर हमारा रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है, मतलब कहने का है कि आपके अभिकारकों के सांद्रण में जो परिवर्तन हो रहा है वो जीरो है, मतलब उसमें कोई कंसंट्रेशन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर यन का मान जीरो हो गया तो वन माइनस जीरो बराबर वन हुआ, तो यू कैन राइट हियर मोल, या यन इज इक्वल टू जीरो तो यू कैन राइट लीटर इनवर्स, और सेकंड की जैसे यूनिट है वैसे होगा। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। वेरी सिंपल वे यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन आपको एक जनरल यूनिट का जो फार्मूला के का है याद रखना चाहिए कि रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल वन माइनस एन लीटर एन माइनस वन सेकेंड इनवर्स, जहां एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। नाउ यू कैन फाइंड आउट द व्हाट इज द यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर का अगर कोई रिएक्शन है तो इसके लिए के की यूनिट क्या होगी, तो इसके लिए आप कहते हो n इज इक्वल टू वन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन है फर्स्ट ऑर्डर, तो n का मान आप क्या रखोगे वन, तो वन माइनस वन बराबर जीरो, तो यहाँ हमने दिखा दिया वन माइनस वन बराबर जीरो आएगा, और मोल का पावर जीरो माने वन हो गया आप जानते ही हो, लीटर वन माइनस वन ये भी जीरो हो गया, ये भी वन हो गया, बचा क्या सेकंड इनवर्स। इसका माने है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के को आराम से आप लिख सकते हो कि ये सेकंड इनवर्स होती है अगर ये फार्मूला में वैल्यू एन की हम वन रखते हैं तो। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द यूनिट ऑफ के, रेट कांस्टेंट की है इस फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसकी यूनिट क्या होगी। उसी प्रकार से आप सेकंड ऑर्डर का अगर कोई रिएक्शन है तो सेकंड ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या होगी, तो आप देखो कि यहाँ पर एन का मान दो रखेंगे तो वन माइनस टू दैट इज द माइनस वन, तो आपने मोल का पावर माइनस वन कर दिया। यहाँ पर एन माइनस वन, एन की वैल्यू टू हो गई, टू माइनस वन वन हुआ, तो आप लिखोगे लीटर, सेकंड इनवर्स है सेकंड इनवर्स। इन दिस वे यू कैन से द यूनिट ऑफ के फॉर सेकंड ऑर्डर मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, सो यू कैन राइट। Similarly, you can calculate the value of K for third order reaction where you can put the value of N 3, 1 minus 3, that is the minus 2, तो mole minus 2 हो गया, mole inverse 2, mole inverse 2 लिखा, यहाँ पर N की value 3 रखा, 3 minus 1, 2 हो गया, तो liter square होगा और second।
So in this way, I have shown that what are the different units of the rate constant. So I have given what is the rate of reaction, what is the rate constant, what are the different units of the rate constant. अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जैसे कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफाइन ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, तो आपको ये बात जानना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, और फिर आगे वो बढ़ाएगा सवाल को, कहेगा कि डिराइव रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सपोज कर लिया कि ये क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, तो कहता है कि ये पहले डिफाइन करिए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट आर द मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, और इसके बाद जो है कहता है कि फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन डिराइव करिए। तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन डिराइव करेंगे, इसके साथ पूछेगा कि फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन की क्या विशेषताएं हैं, फिर उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कहता है इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कंसंट्रेशन चेंजेज एंड कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन। आप जानते हो कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कौन करता है, कंसंट्रेशन का परिवर्तन। तो ये जो कहता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, बहुत सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल क्रिया में भाग लेते हैं लेकिन उनके कंसंट्रेशन में सब में परिवर्तन नहीं होता। जिस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में परिवर्तन होगा जो कि रेट को प्रभावित करता है, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के संदर्भ में कहा जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी बहुत सारी हो सकते हैं, जैसे आपको वैसे ही मैं ये बता दूं कि अगर ये जो सुक्रोज है, सुक्र माने चीनी है, तो चीनी का जल अपघटन होता है, पानी के साथ क्रिया करती है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है एसिड मीडियम में। तो यहाँ पर पानी दिखता है, रासायनिक अभिक्रिया अगर हम लिखेंगे तो चीनी और पानी का एक एक मोल दिखता है, लेकिन पानी इतनी अधिक मात्रा में होता है, कोई भी अभिकारक या रिएक्टेंट जो अधिक मात्रा में होगा उसके सांद्रण में परिवर्तन नगण्य होता है, इसलिए उसको कंसीडर नहीं करते हैं, जिस पे हम चर्चा बाद में करेंगे कि इस प्रकार के जिनको सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो कहता है एक परिभाषा तो आपको ये दे दिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच कंसंट्रेशन चेंजेज एंड कंट्रोल द रेट ऑफ द रिएक्शन। या इसी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम, सम माने जोड़, सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन में जैसे एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, एक सिंपल परिभाषा है, इसका ज़्यादा आप ध्यान रख सकते हो, याद रख सकते हो। सपोज करिए कि एक हमारी यह रासायनिक अभिक्रिया है, दिस इज द केमिकल रिएक्शन, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी, ये क्रिया करता है, प्रोडक्ट बनता है, कितना बनता है उसको हम केमिकल काइनेटिक्स में कंसिडर नहीं करते हैं। तो अब इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए इसका रेट क्या होगा, रेट होगा dx अपॉन dt। अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है किस चीज़ पर निर्भर करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, और ये बी क्या है, ये अभिकारक हैं या रिएक्टेंट हैं। तो यहाँ पर यह लिख दिया गया कि dx अपॉन dt दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज इक्वल टू k, व्हाट इज द k इज द रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर a एंड कंसंट्रेशन ऑफ b का पावर b। ये आपका एक रेट इक्वेशन है।
अब इस रेट इक्वेशन में आप बड़े आराम से आप देख रहे हो कि ए का पावर ए बी का पावर बी कंसंट्रेशन टर्म का पावर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो कहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिकारकों के सांद्रण के जो पावर है उसका जोड़ होगा। यह है एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या दूसरा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है तो दोनों का पावर ए एंड बी है, दोनों का जोड़ कर दोगे तो आपको टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। अगर आपका ये जो रेट इक्वेशन है यहाँ पर वन होता है, यहाँ पर वन होता तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू होता, अगर इसका जीरो होता इसका वन होता तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन होता। तो इस प्रकार से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और इसको हम समझ सकते हैं। अब दूसरा टर्म जो आता है बार बार रासायनिक क्रिया में वो होता है मॉलिक्युलरिटी। एक समय ऐसा था जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी में अंतर नहीं समझा जाता था, लेकिन अंतर था तब भी और आज भी है, दोनों में फ़र्क होता है वो, क्योंकि अगर बहुत सारे रिएक्टेंट हैं जैसे मैंने चीनी और पानी की अभिक्रिया को बताया कि पानी के कंसंट्रेशन में कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं होता है तो वह अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता, लेकिन चीनी के कंसंट्रेशन में चेंज होता है, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज होता है, तो उसके कंसंट्रेशन में कितना परिवर्तन होगा वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। लेकिन मॉलिक्युलरिटी में जब आप देखोगे तो मॉलिक्युलरिटी में प्रत्येक अभिकारक जितने भी रासायनिक समीकरण में लिखे जाएंगे सबके मोलों की संख्या को मॉलिक्युलरिटी कहेंगे। तो उसी चीज़ को आप यहाँ दिखा सकते हो कि मॉलिक्युलरिटी इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी अलग अलग चीज़ें हैं। इट इज़ द नंबर, मॉलिक्युलरिटी की बात कह रहा हूँ कि इट इज़ द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन द स्टेप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जैसे आप एग्जांपल में आप देख सकते हो कि यह N2O5 है, N2O4 में विघटित हुआ, ऑक्सीजन में विघटित हुआ गर्म करने पर। तो अब यहाँ पर इसका जो है मॉलिक्युलरिटी भी एक है और आप लेटर ऑन अगर देखेंगे तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक ही होगा। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर कह दिया कि वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन एंड देयर फोर मॉलिक्युलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज वन। यहाँ आप देखेंगे 2HI ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, HI का दो मॉलिक्यूल, ये विघटित होता है, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन बनती है, तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्युलरिटी इसका दो होगा। तो इन दिस वे वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय द डिफिनेशन। लेकिन इसके बाद भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको कि हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली हम अगर हमसे ये पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी में अंतर आप बताइए, तो एक पॉइंट से आप नहीं बता सकते हो, बहुत सारे पॉइंट अगर आप करोगे तो आपको भी क्लियर होगा और जिसको आप बताएंगे वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम पॉइंट में लेते हैं तो कहता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। पहली बात तो होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो मान होता है वैल्यू होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, 1, 2, 3 या कोई भी हो, या फ्रैक्शन भी हो सकता है, 1/2, 1/3 हो सकता है, लेकिन कभी भी मॉलिक्युलरिटी की संख्या जीरो नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी। आप जानते हो कि मॉलिक्यूल की संख्या जीरो है तो रासायनिक क्रिया संभव नहीं है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे रिएक्टेंट हैं, अभिकारक हैं, जिनमें रासायनिक क्रिया होती है लेकिन उनके कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, कैन बी फ्रैक्शन, बट मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शन। इसलिए कहता है कि हमेशा मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन होल नंबर होगा, 1, 2, 3, 4 इस तरह से होगा। तो यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन।
फिर कहता है इट इज डिटरमिन्ड बाय द एक्सपेरिमेंट, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंट के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और ये कहता है कि मॉलिक्यूलरिटी इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द प्राइमरी स्टेप ऑफ द रिएक्शन। हर रिएक्शन में एक प्राइमरी स्टेप होता है, एक सेकेंडरी स्टेप होते हैं। जब कई स्टेप पर रिएक्शन कंप्लीट होते हैं तो बहुत सारे रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं, तो प्राइमरी स्टेप और सेकेंडरी स्टेप दोनों एक ही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जो कि कई स्टेप में कंप्लीट होते हैं, तो उनको हम जो एक स्टेप के अलावा जो बाकी स्टेप होते हैं उनको हम सेकेंडरी स्टेप्स कहते हैं। तो कहता है कि मॉलिक्यूलरिटी के लिए आवश्यक है कि प्राइमरी स्टेप में कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो यह हम एक्सपेरिमेंट से नहीं ज्ञात कर सकते, ये तो हम रासायनिक अभिक्रिया को देख करके बता सकते हैं कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट स्टेप, नॉट द सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ स्टेप। हम अब तीसरी बात कहते हैं कि तीसरा पॉइंट अंतर का क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिव्स रिलेशन बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको एक रेट में और कंसंट्रेशन में संबंध बताता है। जैसे ये है आपका रेट इक्वेशन, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k a का पावर a b का पावर b। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है a मोल्स ऑफ a प्लस b मोल्स ऑफ b, उसके लिए रेट इक्वेशन ये लिखेंगे। तो यहाँ पर बड़ा स्पष्ट ये बताया जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, देखिए ये a प्लस b मिलके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एक संबंध बताता है किसके बीच में, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या है, कहता है इट डिटरमिन्स द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी जो है उसके कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, व्हाट टाइप ऑफ द मैकेनिज्म इज इन्वॉल्व। तो उस तरह से ये जो मैकेनिज्म है वो इन्वॉल्व होती है मॉलिक्यूलरिटी में, यहाँ पर ये इससे मॉलिक्यूलरिटी का कोई संबंध नहीं होता। फिर कहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये देखिए चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ए, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसके कंसंट्रेशन पे ये निर्भर करता है ए और बी का जोड़ सम ऑफ द पावर। तो कहता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी के बारे में कहता है कि मॉलिक्यूलरिटी इंडिकेट सिंपली द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन फर्स्ट स्टेप रिएक्शन, ये जिसको हम प्राइमरी स्टेप भी कहते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी में यहाँ कहीं भी बात नहीं आई है कि उनके कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में हैं भाग ले रहे हैं। भाग लेना और कंसंट्रेशन में परिवर्तित होना दोनों में फ़र्क होता है। अगर कंसंट्रेशन में परिवर्तन है तो वो रेट को निर्धारित करेगा। तो इस प्रकार से यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल के साथ आज के लेक्चर को यहीं पर बंद करेंगे, फिर हम इसके बाद आगे जो है बात करेंगे कि हाउ टू डिराइव द रेट इक्वेशन फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन।